नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बीते सप्ताह की कुछ बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। वर्ल्ड बैंक ने जारी की ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट 2019। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने लगाई 23 पायदानों की छलांग। 77वीं रैंकिंग के साथ दक्षिण एशिया में टॉप पर रहा भारत। टोक्यो में संपन्न हुआ 13वां भारत जापान शिखर सम्मेलन। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के साथ हुए कई अहम समझौते। 2+2 डायलॉग के लिए भी रजामंद हुए दोनों देश। एमएस स्वामीनाथन को मिला पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन माने जाते हैं स्वामीनाथन। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने शुरू किया है $1,00,000 का यह पुरस्कार। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित। 182 मीटर ऊंची है सरदार पटेल की यह प्रतिमा। चीन में स्प्रिंग टेम्पल की 153 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा को छोड़ा पीछे। और देश का पहला इनलैंड कार्गो कंटेनर शिप कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना। आजादी के बाद पहली बार नदी के रास्ते जा रहा है कार्गो कंटेनर शिप। गंगा नदी के नेशनल वाटरवे 1 का हो रहा है इस्तेमाल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। 1 नवंबर को दृष्टि के स्थापना दिवस के मौके पर दृष्टि IAS की वेबसाइट www.drishtias.com को बिल्कुल नए अंदाज में रीलॉन्च किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए इस नई वेबसाइट में कई नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वेबसाइट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर बनाया गया है। इसमें दृष्टि मीडिया नाम से एक नया टैब जोड़ा गया है, जहां जाकर आप YouTube चैनल पर उपलब्ध हमारे सभी वीडियो कार्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी तैयारी की राह में मील का पत्थर साबित होगी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया गांव में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। नर्मदा नदी में स्थित साधु बेट नाम के छोटे से टापू पर यह प्रतिमा बनाई गई है। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। यह 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता वाले भूकंप को झेल सकती है। इस प्रतिमा में 153 मीटर की ऊंचाई पर विजिटर्स गैलरी भी बनाई गई है। इस गैलरी तक पहुंचने के लिए 2 हाई स्पीड लिफ्ट लगाई गई हैं। इस गैलरी में एक बार में अधिकतम 200 विजिटर्स आ सकते हैं। प्रतिमा के नीचे एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां सरदार पटेल से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं और दस्तावेज रखे जाएंगे। इस प्रतिमा से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना है। गौरतलब है कि अब तक चीन स्थित स्प्रिंग टेम्पल की 153 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा विश्व में सबसे ऊंची थी। आपको बता दें कि हाल ही में टैगोर पुरस्कार से नवाजे गए देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार ने इस प्रतिमा का डिजाइन बनाया है। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को विश्व बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 जारी की। इस बार रिपोर्ट की थीम ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म रखी गई है। इस रिपोर्ट में दिए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने पिछले साल के मुकाबले 23 पायदानों की ऊंची छलांग लगाकर 77वां स्थान हासिल किया है। इंडेक्स में 10 पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। भारत ने कारोबार शुरू करने, कंस्ट्रक्शन परमिट, बिजली की सुविधा देने, कर्ज देने, सीमा पार व्यापार और अनुबंधों को लागू करने जैसे पैरामीटर्स पर अपनी स्थिति सुधारी है। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में लगातार सुधार की बदौलत भारत दक्षिण एशियाई देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत पहला ब्रिक्स और दक्षिण एशियाई देश है जिसे सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में लगातार दूसरे वर्ष शामिल किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल भारत इंडेक्स में 30 पायदानों की छलांग लगाकर 100वें स्थान पर रहा था। इस तरह पिछले 2 वर्षों में भारत ने इस इंडेक्स में कुल 53 पायदानों की छलांग लगाई है। 190 देशों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में टॉप 5 देशों में न्यूजीलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, हांगकांग और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। अमेरिका को 8वीं, चीन को 46वीं और पाकिस्तान को 136वीं रैंक मिली है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से भारत आए सताए हुए प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इनके तहत 7 राज्यों के कुछ जिलों के कलेक्टरों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंजूर करने का अधिकार दिया गया है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं, लेकिन असम में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इन कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत ऐसे प्रवासियों को सिटीजनशिप और न्यूट्रलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा गया है। नए नियमों के तहत इन प्रवासियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदकों की वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस रिपोर्ट एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए केंद्र सरकार को मुहैया कराई जाएगी। राज्यों और केंद्र से वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इन्हें नागरिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 की जांच एक संसदीय समिति कर रही है। इस विधेयक में 6 जातियों के सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें वे हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध शामिल हैं जो 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा के प्रावधानों के साथ मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम्स के बच्चों को गोद देने के लिए सहमति जताई है। यह निर्णय मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की हेड और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2015 में कारा ने एडॉप्शन के लिए नए नियम जारी किए थे। नए नियमों के तहत सभी होम्स को कारा के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। तब मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने नए नियमों के प्रति अपनी असहमति जताई थी। आपको बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना 1950 में मदर टेरेसा ने की थी। वहीं कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। कारा भारतीय बच्चों के कंट्री और इंटर कंट्री एडॉप्शन से संबंधित नियमन के लिए नोडल बॉडी है। 29 अक्टूबर को 13वीं इंडो जापान समिट का आयोजन टोक्यो में किया गया। शिंजो आबे के साथ इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच $75 बिलियन का द्विपक्षीय करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ। करेंसी स्वैप का अर्थ विदेशी मुद्रा की अदला बदली से है। करेंसी स्वैप के तहत भारत और जापान को इतनी राशि के बराबर एक दूसरे की पूंजी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था के तहत भारत को अपनी विकास से जुड़ी जरूरतों के लिए विदेशी पूंजी को टैप करने में आसानी होगी। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से भारत के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट्स में भी स्थिरता आएगी। भारत और जापान ने रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग को लेकर भी सहमति जताई। दोनों देशों के बीच हाई स्पीड ट्रेन, नौसैन्य सहयोग समेत 6 समझौते भी हुए और डिजिटल टेक्नोलॉजीज, साइबर स्पेस, हेल्थ, डिफेंस और स्पेस साइंसेज में सहयोग बढ़ाने पर भी रजामंदी हुई। जापान के निवेशकों ने भारत में $2.5 बिलियन का निवेश करने का भी ऐलान किया। हाल ही में रूस का एक उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भारत यात्रा पर आया था। प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के साथ साथ कारोबारी सहभागिता बढ़ाने को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। गौरतलब है कि 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुए 18वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अगले 6-7 वर्षों के दौरान निवेश को 10 गुना बढ़ाने का फैसला लिया गया था। भारत ने निवेश में तेजी लाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया में रूसी कंपनियों के लिए रूस प्लस नाम की वन स्टॉप शॉप की स्थापना भी की है। भारत से रूस को होने वाले फार्मा निर्यात को बढ़ाने के लिए रूस के फार्मा 2020 प्रोग्राम के तहत भारत की अग्रणी फार्मा कंपनियों द्वारा संयुक्त निवेश करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। गौरतलब है कि 2017 में भारत और रूस के बीच कुल $10.13 अरब का व्यापार हुआ। इस दौरान रूस से भारत को होने वाला निर्यात $8.4 अरब और भारत से रूस को होने वाला निर्यात $2.8 अरब रहा। इसके अलावा INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, रूस और ईरान द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। भारत और बांग्लादेश ने व्यापार और जहाजों के आवागमन के लिए अंतर्देशीय तथा तटीय जल मार्ग संपर्क बढ़ाने वाले कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों के तहत बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स को भारत से आने जाने वाली वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा यात्रियों के आने जाने और नौवहन सेवाओं के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर भी दस्तखत हुए हैं। इस प्रक्रिया के लिए तटीय नौवहन मार्गों और अंतर्देशीय मार्गों को अंतिम रूप दे दिया गया है। संभावना है कि नदी के रास्ते नौवहन सेवाएं कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, जोरहाट के बीच शुरू की जाएंगी। दोनों देश इस बात पर भी राजी हुए कि एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी अरिचा स्थान तक ढुलियान राजशाही प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन की तकनीकी व्यावहारिकता का अध्ययन करेगी। इसके अलावा भागीरथी नदी पर जंगीपुर नौवहन क्षेत्र को दोबारा खोलने पर भी विचार किया जाएगा। यह भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा का पानी साझा करने से जुड़ी संधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे जोगीघोपा कस्बे के विकास के लिए भी रजामंदी जताई। इसके तहत जोगीघोपा को असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और भूटान के लिए वस्तुओं को लाने ले जाने में टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाना है। भारत सरकार ने ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत ब्रिक्स में शामिल सभी देश श्रम कानून बनाने और उन्हें लागू करने पर सहमत हुए। इसके अलावा सुरक्षित श्रमिक वर्ग का खास ध्यान रखते हुए उनके अधिकारों का संरक्षण करने का प्रावधान भी इस समझौते में किया गया है। रोजगार और श्रम बाजार नीतियों, रोजगार से जुड़ी शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी सहमति बनी है। ये सभी देश सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर सहयोग के लिए ब्रिक्स देशों के श्रम अनुसंधान संस्थानों और सोशल सिक्योरिटी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समझौते में सामाजिक और श्रम क्षेत्र से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों और आपसी सलाह मशवरे पर जोर दिया गया है। समझौते के जरिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण केंद्र ब्रिक्स देशों के श्रम संस्थानों के नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। इनमें भारत का वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान भी शामिल है। आपको बता दें कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। इन देशों के बीच हुआ यह समझौता कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है और न ही इससे जुड़े पक्षों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने की कोई बाध्यता है। इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में संशोधन की सिफारिशें देने के लिए यह कमेटी बनाई है। अपनी इस रिपोर्ट में कमेटी ने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की समस्या से निपटने के लिए 1957 के द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यानी यूएन सिट्रल अपनाने की सिफारिश की है। यूएन सिट्रल में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से निपटने के व्यापक प्रावधान शामिल हैं। इसे लगभग 44 देशों में लागू किया गया है और इसमें क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को शामिल किया गया है। विदेशी निवेशकों के बीच अधिक भरोसा पैदा करना, डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी लॉ के साथ मजबूती से जुड़ना इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। इसके अलावा यूएन सिट्रल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक पुख्ता मैकेनिज्म भी मुहैया कराता है। इसके अलावा कमेटी ने डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी से जुड़े प्रावधानों और अपनी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव टालने के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में इस कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट मार्च 2018 में दी थी। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने एशियाई आर्थिक एकीकरण रिपोर्ट 2018 जारी की है। इसमें एशियाई विकास बैंक के 48 क्षेत्रीय सदस्यों को शामिल करके क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक संबंधों का विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा एशियाई देशों की सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और विभिन्न स्तरों पर सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की समीक्षा भी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में आर्थिक एकीकरण, अर्थशास्त्र, उद्योग और व्यापार, माइग्रेशन एंड ह्यूमन मोबिलिटी, क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण जैसे विषय शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में सबसे ज्यादा संख्या एशियाई लोगों की रही। इस अवधि में भारत के प्रवासियों की संख्या 17 मिलियन रही। अन्य एशियाई देशों में चीन से 10 मिलियन और बांग्लादेश से 7.5 मिलियन प्रवासी थे। 2015 के बाद यह रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। आपको बता दें कि 2017 में एशियाई विकास बैंक ने इस रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण सूचकांक भी पहली बार जारी किया था। यह इंडेक्स एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग तथा एकीकरण की पड़ताल करता है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 29 अक्टूबर को सूरत में गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क की शुरुआत की। सूरत जिले के मंगलौर तालुका के तहत शाह और वसरावी गांव में स्थित यह पार्क गुजरात एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। 70.15 एकड़ जमीन पर बने इस पार्क पर 117.87 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पार्क के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में 3500 मीट्रिक टन स्टोरेज क्षमता वाला कोल्ड स्टोर और 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेयरहाउस बनाया गया है। इनके अलावा सब्जियों और फलों का पल्प निकालने के लिए बड़ी पाइपलाइन, क्वालिटी कंट्रोल लैब और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी बनाई गई हैं। फूड पार्क में उद्यमियों के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बनाया गया है। इस फूड पार्क से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही फूड पार्क के आसपास के इलाकों के करीब 25,000 किसानों को भी इससे फायदा होगा। गौरतलब है कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में वैल्यू एडिशन और सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण में जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू की है। मेगा फूड पार्क एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मुहैया कराता है। बीते चार सालों में आंध्र प्रदेश ने 10.5% औसत वृद्धि दर के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस मामले में आंध्र प्रदेश ने महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तेलंगाना दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। साथ ही आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट के अनुसार बीते चार सालों में देश की वृद्धि दर 7.3% रही है। आपको बता दें कि जनगणना 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश देश में 9वें स्थान पर है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके अलग तेलंगाना राज्य बनाया गया था। 29 अक्टूबर को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने देश की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन लॉन्च की। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक से बने इस ट्रेन को T18 नाम दिया गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह एक हाईटेक, एनर्जी एफिशियंट, बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन है। सेल्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल पर चलने वाली इस ट्रेन के दोनों छोरों पर मोटर कोच होंगे, यानी कि यह मेट्रो ट्रेन की तरह दोनों दिशाओं में चल सकेगी। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशनड होगी और सभी कोच इंटरकनेक्टेड होंगे। स्टेनलेस स्टील की बॉडी वाली यह ट्रेन वाईफाई, LED लाइट और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस है। इसके अलावा टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट और मौसम तथा वातावरण के अनुसार अपने आप सेट हो जाने वाला क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। इस ट्रेन के सभी डिब्बों में किसी इमरजेंसी में ट्रेन क्रू से बात करने के लिए टॉकबैक यूनिट्स लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षित सफर के लिए CCTV भी ट्रेन में लगाए गए हैं। 27 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोघा दाहेज रो पैक्स फेरी सर्विस की शुरुआत की। जहाजरानी मंत्रालय की सागरमाला परियोजना के तहत शुरू हुई इस सर्विस से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रोपैक्स फेरी सर्विस भरूच जिले में दाहेज से खंबात की खाड़ी के पार समुद्री मार्ग से भावनगर जिले में घोघा तक चलाई जा रही है। अभी सड़क मार्ग से इन दोनों के बीच की दूरी 294 किलोमीटर है और वाहन से इस दूरी को तय करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं, लेकिन रोपैक्स सर्विस की बदौलत यह दूरी घटकर सिर्फ 31 किलोमीटर रह जाएगी और इसे तय करने में सिर्फ लगभग 1.5 घंटा लगेगा। इस फेरी में 100 वाहनों और 500 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है, इसलिए इसे रोपैक्स नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस परियोजना पर 615 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, जिनमें से 117 करोड़ रुपए की फंडिंग केंद्र सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत की है। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय नौवहन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है, क्योंकि दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे ज्वार क्षेत्र में इसका परिचालन किया जा रहा है। केंद्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल के कोच्चि में देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक की आधारशिला रखी। अभी कोच्चि शिपयार्ड में 2 ड्राई डॉक काम कर रहे हैं। इस नए ड्राई डॉक पर 1799 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस डॉक का डिजाइन इस तरह का होगा कि जहाज निर्माण और मरम्मत दोनों का काम हो सकेगा।
यह डॉक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों से लैस होगा। इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ग्रीन बेल्ट भी बनाई जाएगी। इस ड्राई डॉक के बन जाने से कोच्चि शिपयार्ड आधुनिक LNG करियर, ड्रिल जहाज, जैक अप रिग्स, बड़े ड्रेजर्स तथा भारतीय नौसेना के लिए विमान वाहकों और उच्च स्तरीय शोध जहाजों का निर्माण कर सकेगा। यह परियोजना मई 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इससे 2000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह डॉक सागरमाला कार्यक्रम के तहत मेक इन इंडिया को गति प्रदान करेगा और वैश्विक जहाज निर्माण में भारत का हिस्सा लगभग 2% बढ़ाएगा। भारत अभी वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में 0.66% हिस्सेदारी रखता है। भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाने वाले प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन को पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 11वीं ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया। गैर सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने $1,00,000 का यह पुरस्कार शुरू किया है। यह पुरस्कार कृषि के माध्यम से मानवता और देश के कल्याण में योगदान करने वालों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है। जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, रेडिएशन और केमिकल म्यूटोजेनेसिस, खाद्य और जैव विविधता के संरक्षण हेतु अनुसंधान के लिए दुनिया भर में M.S. स्वामीनाथन की पहचान है। गौरतलब है कि M.S. स्वामीनाथन को टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में शामिल किया था। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी सम्मान दे चुका है। इसके अलावा M.S. स्वामीनाथन को कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड और अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी मिल चुका है। इनके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। WHO ने वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को एयर पॉल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रेस्क्राइबिंग क्लीन एयर नाम दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हर दिन विश्व के 93% बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। वैश्विक रूप से हर 10 में से एक बच्चे की मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2016 में लगभग 600,000 बच्चों की मौत एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। इन 600,000 बच्चों में ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब गर्भवती महिलाएं वायु प्रदूषण के संपर्क में आती हैं तो प्री मैच्योर बेबीज के जन्म लेने की संभावना ज़्यादा होती है। वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में अस्थमा, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले देशों के 98% और अधिक आय वाले देशों के 52% बच्चे WHO द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर PM2.5 के संपर्क में हैं। रिपोर्ट में बच्चों का वायु प्रदूषण के प्रति वल्नरेबल होने का प्रमुख कारण बड़ों की तुलना में उनका तेजी से सांस लेना बताया गया है। WHO ने 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन WHO के मुख्यालय जिनेवा में किया गया था। कॉन्फ्रेंस का आयोजन UN एनवायरमेंट, विश्व मौसम संगठन UNFCCC, द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स और द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ने मिलकर किया था। गौरतलब है कि साल भर में 7 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। इसके साथ ही असमय होने वाली मौतों के पीछे वायु प्रदूषण को एक प्रमुख कारण माना जाता है। वायु प्रदूषण से होने वाले खतरों का सामना करने के लिए समाधान खोजने के उद्देश्य से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की है। इस रिपोर्ट में WWF द्वारा जारी ग्लोबल सॉयल बायोडायवर्सिटी एटलस के बारे में चर्चा की गई है। इस एटलस में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जहां पर मृदा जैव विविधता का जोखिम स्तर अधिकतम है। एटलस में लाल रंग वाले क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ अफ्रीका, यूरोप और उत्तर अमेरिका के देश शामिल हैं। WWF ने रिस्क इंडेक्स के तहत विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की चर्चा भी की है। इन कारकों में प्रदूषण, सुपोषण, अत्यधिक चराई, गहन कृषि, आग, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। गौरतलब है कि मृदा जैव विविधता के तहत सूक्ष्मजीव, माइक्रोफौना जैसे गोलकृमि और मैक्रोफौना जैसे चींटी, दीमक, केंचुआ आदि शामिल होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति इकोलॉजिकल फुटप्रिंट काफ़ी कम है। इसके बावजूद
अत्यधिक जनसंख्या की वजह से यह इकोलॉजिकल क्राइसिस के लिए सुभेद्य बन रहा है। हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने वातावरण को कम प्रदूषित करने वाले पटाखों का निर्माण किया है। ये पटाखे एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ ही परंपरागत पटाखों की तुलना में 15-20% सस्ते भी हैं। इन पटाखों को स्वास्थ्य सफल और स्टार नाम दिया गया है। स्वास्थ्य वाटर वेपर और एयर रिलीज करता है और इसकी आवाज़ परंपरागत पटाखों की तरह होती है। साथ ही यह पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के इस्तेमाल में कमी लाने में भी मदद करेगा। इसके प्रयोग से पार्टिकुलेट मैटर में 30-35% की कमी आने का अनुमान है। सफल पटाखों से एल्यूमिनियम पाउडर के इस्तेमाल को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा स्टार पटाखे पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के इस्तेमाल में कमी लाने में सहायक होंगे। इनसे पार्टिकुलेट मैटर में 35-40% की कमी आ सकती है। इसी कड़ी में कम प्रदूषण करने वाले ई क्रैकर्स भी बनाए गए हैं। इनमें ई लड़ी, ई अनार और ई क्रैकर जैसे पटाखे शामिल हैं। आपको बता दें कि इंडियन फायरवर्क्स इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का है। इस इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन का नाम असेसमेंट ऑफ मॉथ्स एज सिग्निफिकेंट पॉलिनेटर्स इन द हिमालयन इकोसिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। इसके अनुसार मॉथ या पतंगा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में पॉलिनेशन यानी परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौरतलब है कि मॉथ को परजीवी माना जाता है। अधिकतर अध्ययन प्लांट पॉलिनेटर या प्लांट पॉलिनेटर नेटवर्क के डायरूनल यानी दिवाचर इंटरैक्शन पर आधारित होते हैं। वहीं इस अध्ययन में नॉक्टर्नल यानी निशाचर फिनोमेना को आधार माना गया है। आपको बता दें कि मधुमक्खी, बर और तितली को प्रमुख पॉलिनेटर्स माना जाता है। इस अध्ययन से मॉथ के रूप में पॉलिनेटर्स का एक नया वर्ग सामने आया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने रक्त वाहिकाओं की जटिल ज्योमेट्री को फिर से बना सकने वाली 3D प्रिंटिंग तकनीक विकसित की है। निकट भविष्य में इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल आर्टरीज और ऑर्गन टिश्यूज को बनाने में किया जा सकता है। इस तकनीक से ऐसी सूक्ष्म संरचनाओं को बनाया जा सकता है जिनका इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। स्वस्थ कोशिका की तरह काम करने वाली संरचनाओं को बनाने की दिशा में यह तकनीक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल बच्चों की चिकित्सा और कार्डियोलॉजी में जटिल संरचनात्मक विकारों को समझने में किया जा रहा है। गौरतलब है कि 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3D ठोस वस्तुएं बनाई जाती हैं। डिजाइनिंग के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करने में कार और विमान निर्माता सबसे आगे हैं। अमेरिका और इजराइल की वायुसेनाएँ स्पेयर पार्ट्स आदि के निर्माण के लिए पहले से ही 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में एक्सपीरियंसिंग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक किया गया। यह फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट सीरीज का हिस्सा है। इसका आयोजन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इंडिया इंटरनेशनल के सहयोग से किया। इस फेस्टिवल का प्रमुख उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत की कला संस्कृति, भोजन, पर्यटन और हस्तकला आदि को बढ़ावा देना था। इस आयोजन के समापन समारोह के अवसर पर मणिपुरी रासलीला का आयोजन किया गया था। गौरतलब है कि 2013 में यूनेस्को ने मणिपुरी संकीर्तन के तहत रासलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। आपको बता दें कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारत और कतर ने आपसी हितों और रिश्तों को और मजबूती देने के लिए संयुक्त आयोग का गठन करने का फैसला किया है। दोनों देशों के विदेश मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच हुई मुलाकात के बाद यह फैसला किया गया।
भारत और सिंगापुर ने फिनटेक पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। इससे दोनों देशों को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस और सिक्योरिटी इन पेमेंट एंड कैश फ्लो में आसानी होगी। इसके अलावा इससे नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर्स और UPI फास्ट पेमेंट लिंक आदि कामों में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप INS तरंगिणी पूरे विश्व की समुद्री यात्रा करने के बाद 30 अक्टूबर को कोच्चि वापस लौट आया। लोकायन 18 नामक इस समुद्री यात्रा को कोच्चि से ही 10 अप्रैल को रवाना किया गया था। INS तरंगिणी की कमान कमांडर राहुल मेहता के हाथों में है। नाटो ने अब तक का अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्राइडेंट जंक्शन 2018 नॉर्वे में शुरू किया है। इसमें 29 नाटो सहयोगी देश और पार्टनर के रूप में फिनलैंड और स्वीडन हिस्सा ले रहे हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसल्स में है। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में श्रीलंका में राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे को पद से बर्खास्त कर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। महिंदा राजपक्षे को चीन समर्थक माना जाता है। दक्षिण एशिया में सामरिक लिहाज से श्रीलंका भारत का बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। चीन दक्षिणी ध्रुव पर अपना स्थायी हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। हाल ही में चीन का 35वां दल अंटार्कटिक अभियान पर निकला है जो इस दिशा में काम करेगा। इस हवाई अड्डे के बन जाने से वैज्ञानिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा और एयर स्पेस मैनेजमेंट की सुविधा में इजाफा होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ रखी गई थी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का उद्देश्य भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। देश में PPP मॉडल के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स बनाने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इनमें युवाओं को हाई क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल रिसर्च एजुकेशन दी जाएगी। इनकी स्थापना से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और साथ ही उद्योग जगत के साथ सीधे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज यानी इम्प्रेस और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन यानी स्पार्क के लिए 2 पोर्टल लॉन्च किए। इनसे रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। 25 से 27 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। इसकी थीम न्यू डिजिटल हॉरिजॉन्स कनेक्ट क्रिएट इनोवेट रखी गई थी। यह एशिया पैसिफिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें 20 देशों की लगभग 300 कंपनियों ने हिस्सा लिया। हाल ही में नई दिल्ली में 10वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी थीम न्यूक्लियर पावर टुवर्ड्स अ क्लीन एंड बेस लोड एनर्जी रखी गई थी। इस तरह के सम्मेलनों के आयोजन से परमाणु ऊर्जा से जुड़े लाभों तथा उससे जुड़े डर के बारे में समझदारी कायम करने में मदद मिलती है। कुछ समय पहले लखनऊ में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस कृषि कुंभ का मकसद कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बेहतर अवसर बनाने में आने वाली बाधाओं की पहचान करना था। 30 अक्टूबर को भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने देश में पहला कार्गो कंटेनर ले जाने की शुरुआत की। MVRN टैगोर नाम का जहाज मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको के 16 कंटेनर्स को लेकर कोलकाता के हल्दिया बंदरगाह से वाराणसी के लिए रवाना हुआ। गंगा नदी यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से अंतरदेशीय जहाज पर देश की यह पहली कंटेनर आवाजाही है। सार्वजनिक क्षेत्र में गवर्नेंस और सर्विस में उल्लेखनीय सुधार के लिए भारत ने 2018 का कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अवार्ड जीता है। बिहार की पहल उन्नयन बांका री इन्वेंटिंग एजुकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट को इनोवेशन इंक्यूबेशन कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक की पहल यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट्स को इनोवेशन इन पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट कैटेगरी में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। देश की प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट संस्था इन्वेस्ट इंडिया को सतत विकास में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए UN अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया है। आर्मेनिया के राष्ट्रपति आर्मेन सरकेसियन ने इन्वेस्ट इंडिया के CEO दीपक बागला को जेनेवा में अंकटाड द्वारा आयोजित वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम में यह अवार्ड दिया।
भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के तहत इन्वेस्ट इंडिया एक गैर लाभकारी कंपनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने गुजरात को बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड दिया है। कृषि महोत्सव, सॉइल हेल्थ कार्ड, वाटर कंजर्वेशन, माइक्रो इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, डेयरी और पशुपालन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए गुजरात को यह पुरस्कार दिया गया। इस अवार्ड की ज्यूरी के अध्यक्ष प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे। केरल के कोझिकोड में देश के पहले महिला मॉल की शुरुआत होने जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 14 नवंबर को इस महिला मॉल को लॉन्च करेंगे। इस मॉल में सभी क्रू मेंबर्स महिलाएं होंगी। कोझिकोड कॉरपोरेशन कुडुम्बश्री CDS इस मॉल के प्रमोटर है। वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार घोषित कर दिए गए। यह पुरस्कार क्रमशः मणिपुरी नृत्य के कलाकार राजकुमार सिंहाजित सिंह, बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छाया नट और भारत के विख्यात मूर्तिकार रामवंजी सुतार को दिया गया है। भारत सरकार ने यह वार्षिक पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर 2012 में शुरू किया था। पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता असमा जहांगीर को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया है। उनके अलावा तंजानिया की मानवाधिकार कार्यकर्ता रेबेका गियूमी, ब्राजील की वकील जीनिया वापिचाना और आयरलैंड के मानवाधिकार संगठन फ्रंटलाइन डिफेंडर को भी यह पुरस्कार दिया गया है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में IBSF अंडर 16 स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के महिला वर्ग में भारत की कीर्तना पांड्यन ने खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में बेलारूस की अल्बिना लेश्चुक को पराजित किया। पुरुष वर्ग में बेल्जियम के बेन मार्टेंस ने आयरलैंड के आरोन हिल को हराकर खिताब जीता। भारत के सौरव कोठारी ने सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर WBL वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। सेमीफाइनल में सौरव कोठारी ने 6 बार के विश्व चैंपियन और पिछले चैंपियन इंग्लैंड के डेविड कॉजियर को हराया था। यह खिताब जीतने वाले सौरव तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले गीत सेठी ने 5 बार और पंकज आडवाणी ने 4 बार यह खिताब जीता था। और 19 बार विश्व चैंपियन रहे भारत के पंकज आडवाणी ने चीन के जिनान में एशियन स्नूकर टूर का दूसरा चरण जीत लिया। फाइनल में चीन के जू रेती को हराकर यह टाइटल जीतने वाले पंकज आडवाणी पहले भारतीय हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।